बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने रूम से वीडियो, जो कि सब मेहमान जो है चौथे मुहर्रम मेरे घर पर बैठे हुए हैं। और आज की वीडियो में मेरे घर में जो पांच मुहर्रम की नियाज है वो भी आपको देखने मिलेगी, यानी चौथा और पांचवा मुहर्रम एक ही व्लॉग में आपको, शायद इसके मैं पार्ट बना दूँ ज़्यादा लंबी होगी तो आप लाजमी देखिएगा कि हम किस तरह से अपने घर पर नियाज देते हैं, क्योंकि पाँच मुहर्रम हम अपने घर में नियाज देते हैं। वैसे तो मैं विधि में लगातार जो है मुहर्रम से फिक्स हुई है नियाजें, जो आपको आगे भी दिखा दूंगी, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा रिप्लेस भी कर देते हैं दिन, ऐसा कभी सातवीं मुहर्रम कभी पाँचवीं मुहर्रम, लेकिन कुछ नियाजें जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। जैसे कि मेरे साहिब अली भग्गा जो भाई हैं उनकी दो मुहर्रम, हमारी पाँच मुहर्रम, और चोनी भाई की जो है आठ मुहर्रम, और मेरे बड़े भाई की तीन मुहर्रम फिक्स, जिसमें जुलझना भी निकलता है, जो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगी आगे आगे जो नियाजें होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा जी। तो ये चार मुहर्रम का दिन है और हमारे बच्चे बहुत ही सुरीले आवाज़ में जो है नोहा खानी कर रहे हैं, और रसल भी चल रही है तो, और हम भी नोहा सुन रहे हैं, माशाल्लाह से आप भी सुनिएगा। और ऐसे ही रोज़ाना ये ड्यूटी करते हैं। आज मैं इजी थी, इसीलिए मैंने जो दूसरी साइड पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हमारे भाई बैठे थे, उधर जाके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। आप भी सुनिएगा और कमेंट्स में बताइएगा माशाल्लाह से कैसे आपको नोहा लगा है। जद वो जागेरा पाया गाजी नजर ना आवे, हुण आजा चाचा गाजी करदे सकी ना पावे, हुण पाणी मैं ना मंगसा, हुण पाणी मैं ना मंगसा, मागा सकी ना दा आबीर गाजी, हुण गाजी मेरिया आजा, आबीर गाजी हुण गाजी मेरिया। करबल च लुट गई ए, करबल च लुट गई ए, तेरी भैन दीरदार आजा, आबीर गाजी हुण गाजी जवान कीता कुल मेरा नानो बद के, तेरे ते मान कीता तेरे मान ते मैं टुर पई, तेरे मान ते मैं टुर पई, चनवीर करबला आजा, आवीर गाजी हुण आजा, आवीर गाजी हुण गाजी करबल च लुट गई ए, करबल च लुट गई ए, तेरी भैन आजा, वीर गाजी हुण अकबर रे आना कासम, मेरे वीर गेने मारे मैं शाम तुर पिया, बीमार दे सहारे बचे ना कोई मेरा, बचे ना कोई मेरा, सजाद दे सेवा आजा, आबीर गाजी हुण गाजी आजा, आबीर गाजी हुण गाजी अकबर रे आना कासम, मेरे वीर गेरे मारे मैं शाम तुर पिया, बीमार दे सहारे बचया ना कोई मेरा, बचया ना कोई मेरा, सजाद दे सिवा जा, आबीर गाजी हुण गाजी आजा, आबीर
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नोहा आपको कैसा लगा। आगे जो आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ वो है मेरे शोहर, आपको पता है ज़्यादातर वो खुश नहीं होते फ़ोन पकड़ने में, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप मजलिस पे जो हमारे इमाम बारगाह है बहुत बड़ा हमारे मतलब मोहल्ले में ही है थोड़ा दूर करके, तो मैं काकी की वजह से लेडीज़ मजलिस जो होती है साइड पर उनका इंतज़ाम किया होता है, बहुत बड़ी मजलिस होती, तो मैं इस बार वहाँ नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, काकी बहुत छोटी और मेरे हस्बैंड वहाँ पर जा रहे हैं और मैंने उनको बोला था थोड़े से बेशक ट्रिप बनाएं लेकिन ज़रूर बनाइएगा कि कौन मजलिस पढ़ रहा है ताकि मैं अपने व्लॉग में डाल सकूँ ये वीडियो। दुश्मन किसे कहते हैं जो मुखालिफ दुश्मन ज़लील करने के लिए तहकीर करने के लिए अगर कोई नाम रख दे ना, किसी को अंधा कहना शुरू कर दे, किसी को काला कहना शुरू कर दे, नाम मशहूर हो जाए उसका, ये जो मुखालिफीन तहकीर करने के लिए तजलील करने के लिए जो नाम रखे उसे कहते हैं दुश्मन। इब्राहिम का अल्लाह ने नाम रखा इब्राहिम, चूंकि इब्राहिम के दौर में सब लोग बुतों को पूजा करते थे, इब्राहिम उनके झूठे खुदाओं से मुंह मोड़ कर चलते थे। देखे मैं आपको देखा जा रहा हूँ, क्योंकि इब्राहिम के दौर में सब बुतों को पूजा करते थे, इब्राहिम उनसे मुंह मोड़ कर चलते थे, तो चिढ़कर जनाब इब्राहिम की तहकीर करने के लिए उन्होंने इब्राहिम का नाम रख दिया हनीफ था। बेशक इब्राहिम हनीफ था, क्यों उनके झूठे खुदाओं से मुंह मोड़ कर चलता था। अल्लाह ने हमारा नाम रखा शिया, अल्लाह ने हमारा नाम रखा शिया, कुरान में हमें कहा शिया। हमारे दुश्मन कहते हैं ये है रावजी, रावजी माने होता है छोड़ देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह हम रावजी, अल्हम्दुलिल्लाह हम रावजी, अल्लाह का शुक्र है कि हम रावजी हैं, खुदा का एहसान है कि हम रावजी हैं। मालूम है सबसे पहले रावजी किसने कहा था? जब मूसा के जादूगरों ने मूसा का दीन A few moments later जा चुके हैं, बाहर कितनी ठंडी हवा है, मेरे शोहर एक्टिव कर रहे बारिश ठंडे माहौल, ये देखिए मैंने बेटी को बाहर ले गई पकौड़े तो लिए सब थोड़ा सा रोशनी भी ना पड़े बिजी बूट हो गया चलो चलो हेलो वाली रोटी खानी आपने अपना रंग कैसे किस केमिकल से धोया स्किन इसकी उतारने वाली इसकी दास्तान सुनाते सुनाते आपका ब्लॉग छोटा पड़ जाएगा। इसके हाथ देखिए जरा, ये खूबसूरत पैर इतने खूबसूरत और चेहरा देखिए, आपकी ग्लेयर एक दिन स्किन की खराब हो जाएगी, याद रखिएगा गोरा होने वाला। मेरा बात ही आ रही है जाना वैसे मंडी चावल और गोश्त देसी मुर्गी लेने मटन का गोश्त लेने सारा कुछ लेना है और
एक बात कहूँ आपको, ठीक है? मुझे भूख लगी, लाओ आलू वाली रोटी। क्यों दस एक कर लीजिए किचन तो के बाहर बैठे हैं। टुमारो मांगे रहे मैं आज के ऊपर हुआ इसकी तरफ देख लिया, दो पड़ी हुई दो पहुंच गई दो। हां जी शुरू कर लो, शुरू करो मूर्ति बड़ा सोहना पाएगा साल नहीं एक बार आप मूर्ति तो सुहा चमच ना दी बड़ा सोहना पाते मूर्ति मूर्ति आई जाते आ जाए भैया चलो शुरू करते हो बटा चलो हमने आदि की ना मजेदार बारे बारे चलो आओ अतु ना जो अब भी आओ ए ब्रो अंदर कालिया जी पहले खाते हो माशाल्लाह माशाल्लाह लंगर का सिकंदर तो जी यहाँ पे है लेडीज का इंतजाम और सबसे पहले खड़े हुए डब्बे लेक बिस्मिल्लाह जी हमारा आगाज ही आपसे होता है क्यों भाई हमारा सब कुछ आपके आए नहीं बाजी अंक पहनते बाजी आए नहीं हाँ जी ठीक होगा ठीक बस आ रही आ जाओ बाजू गोपी कुर्सी इतों कर दो है ना पहले ही सारे हम यहाँ पे देसी घी और मटन
देसी मुर्गी में सब न्याज है, कोई भी चिकन वाली न्याज नहीं देता, देसी पट्टे देते। और आप जो नई न्याज देते ना, एक बार मन्नत जरूर उठाएं, जितनी भी तौफीक हो नियत करके। बेशक आप दाल भी पका सकते हैं, लेकिन हमने हमको अल्लाह पाक ने इनके सदके में नवाजा है। और जब जब नियत की इजाफा होता गया, जरूर आपने भी ये मन्नत उठानी है। नियत का ही सारा खेल नीचे रखे, मुझे चिट्टा पै गया। ठीक, एक एक छोटी बोटी नाल ऐसी ऊपर आनी थी है। बताते हो हमें तुम, हम देखे कि किस तरह हटाते हो हमें तुम, किस हाकिम जाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। है मुल्ला को जन्नत की तलाश मगर हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। नारे हैदरी, भारत में हुसैन आते, भारत में हुसैन आते तो पर्दे में उतारे जाते, भारत में हुसैन आते तो पर्दे में उतारे जाते। यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारे जाते, माथे न उठते इसकी चौकर से हर रोज पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारे जाते। इन मेरी माँ भैन इतनी इन ज्यादा पा इन्होंने तंदुरुस्ती दी, तंदुरुस्ती इन्हें धीरे सोहन सी पाप माँ आप इन्होंने बच्चे कुड़िया से आसमानी फिश्ते अदा करते मेरा मौला, जे इन्हें जिंदगी सही गुजारन, नौ सौ बारह ढाई ने चढ़न न्यात पर गल है कि जिन्हें न्यात की देसी तो न्याज है। मैं न्यात लेके जा रहा, मैंने बड़ा प्यार करते सारी बेली वाले, क्योंकि अल्लाह पाक ने मैंने धियां पुत्र दिते ने इस बेड़ी के सत्ते च, तो मेरी भैन भरा अल्लाह जीवे पी ठीक नए नशे वाले अपनी माड़ मूह वाली मैं सदके और तारा पाप आग मैं सदके जावा कोई पाप उस बाद जी मैं नहीं कहना। अच्छा उस बाद आहो उस पाँच छोकू चंद से माई बोला आपता करे नंबर वन अपने अपने काम का नंबर वन। उस बाद पक्का साहब उस बाद मेरा काशी कामरान सर दुआ कर रहे हैं, मेरी भैन मेरी चाची इतने ब्याह इन्होंने तंद से ताफ माँ इन्हें अपने घर जब शादो बात कर मेरी किमी सोनी सिफत आई आम पार बोलू थी पापड़ छोटी कंटे लो जी न्यास के बाद का माहौल आपको दिखाऊंगी। जेंट्स में मैं उधर नहीं हूँ, क्या माहौल चल रहा है? अभी हम लोग आए हैं, बहुत गर्मी है, ध्यान के लिए मैं फूल लेके आया हूं। पांच मुहर्रम जुलझना निकलता है हमारे चौक में बाहर नाना के जा रहे हैं। माशाल्लाह जी वाह जी वाह, ये देखें जी बाहर का काका कैसा है, बहना कैसी? ठीक काकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी नाली पे उतर गई खुराक वाली अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रम के दौरान उसको अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दे दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।